फ्राइडे की नमाज़ पढ़ के। कौन सी मस्जिद है ये? जामा मस्जिद टोरंटो की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया। उसमें चर्च था पहले, उसको मॉस्क बना दिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो ये कौन सा एरिया? ये रॉसेस वेल्स एरिया है। हाई पार्क है मेरे राइट साइड में। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इधर की साइड में हाई पार्क है। और अभी हम लोग जा रहे हैं क्वींस वे पे, जाएंगे मेन हाईवे लेके। तो ये यहाँ का ऐसा रेजिडेंशियल हाउस होते हैं, देखिए आप सामने पूरा अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं लोगों ने अपने अपने घर। पार्किंग के लिए बाहर जगह है, कुछ लोगों ने अपने घर के सामने भी खड़ा किया हुआ। तो आपको सामने ब्लू दिख रहा है एकदम स्काई, वो लेकशोर के ऊपर का है एरिया। तो उस स्ट्रेट अगर जाएंगे तो लेकशोर है, राइट हो जाएंगे तो मेन हाईवे आ जाएगा आपका, मिसिसॉगा, ब्रैम्पटन, आगे नियाग्रा फॉल्स के लेफ्ट में डाउनटाउन है टोरंटो, डाउनटाउन लेफ्ट साइड में। तो अभी हम मेन हाईवे पे जाएंगे। अभी जो ये नॉर्मल स्ट्रीट्स हैं जिसके अंदर अंदर हम लोग जा रहे हैं। हाई पार्क बहुत फेमस है। तो वहाँ पे तो अभी इतना कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि अभी इतनी ग्रीनरी है नहीं, स्नोफॉल होके हटा है। तो एक दो महीने के बाद अच्छा वहाँ पे ट्रीज़ पे आएंगे, नए लीव्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो रश आवर्स का टाइम है, नून में काफ़ी भीड़ होती है। वो फ्राइडे का दिन है, रमदान का पहला दिन है, तो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए काफ़ी लोग आए थे। फिलहाल तो हम शॉपिंग करने वाले हैं, मैं करने वाला हूँ, कुछ लेंगे थोड़ा हम लोग, दूध वगैरह, ग्रोसरी बेसिक। तो बाकी तो ये सेम स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट जो है घर का, आउट बाहर से देखोगे तो अंदर से सबने अपना अलग अलग बना रखा होता है। तो ये देखिए पार्किंग लगाई हुई है, तो वन वे बन गया, साइड में ट्रक खड़ा हुआ है। तो फ्राइडे की नमाज़ मैं उस्मान भाई के साथ पढ़ता हूँ, कभी बोसिन मस्जिद में या जामा मस्जिद में आए हम लोग। तो ये मस्जिद काफ़ी बड़ी है, वहाँ का टाइम हो चुका था तो हमने सोचा यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे आज। अब देखिए सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो मेन हाईवे है, पर हम लोग लेंगे यहाँ से राइट, नहीं आगे बंद है, अभी हम लोग दूसरे साइड से जाएंगे। सेंट जोसेफ हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तो कभी आप नियाग्रा फॉल से डाउनटाउन या डाउनटाउन से नियाग्रा फॉल्स जा रहे हैं तो मेन हाईवे पे दिखता है सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो उसी के साथ से ये स्ट्रीट जा रही है मस्जिद के लिए, जहाँ से हम लोग आए हैं अभी। और सामने एकदम मेरे आपको दिखेगा लेक शोर, लेकिन हम लोग राइट ले लिया है, हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये एक तरीके से हाईवे पे हम लोग आ रहे हैं। साइड में आपको दिख रहा होगा ट्रेन भी जा रही है, वो आगे ग्रीन कलर की आपको दिख रहा होगा, ट्रेन जा रही है, देखिए वो जा रही है ग्रीन कलर की ट्रेन दिख रहा होगा आपको। तो ये ट्रेन जाती है नियाग्रा फॉल्स तक जाती है, उसके बाद आप चाहो तो US जा सकते हो, वीज़ा है तो आपके पास, तो वहाँ से ही बस जाती है, यहाँ से डायरेक्ट बस भी जाती है, US ट्रेन भी जाती है US, बट आपके पास वीज़ा होना चाहिए। तो ये मेरे लेफ्ट में है लेक शोर, बहुत ही खूबसूरत, यहाँ से थोड़ा दिख जाएगी आपको, पेड़ है काफ़ी तो दिख नहीं रही है वैसे। लेफ्ट सामने है पार्क लॉन,
और ये सीधा जाता है हमारा क्वींस वे पे। तो ये हाई पार्क है पूरा, ये जो मेरे राइट साइड में, ये हाई पार्क का एरिया है पूरा, ये पूरा हाई पार्क है। बहुत ही फेमस है, लोग यहाँ पे जॉगिंग के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग के लिए। छोटा सा जू भी है इसके अंदर एक, ये देखिए रास्ता जा रहा है हाई पार्क। आप मुझे फिर 100 भी सुधार देना है। तो ये देखिए आर्टिफिशियल लेक है, ये आर्टिफिशियल लेक है, हमारे घर के पास ही है ये तो लेक, आर्टिफिशियल लेक है, बहुत ही खूबसूरत। और ये पूरा एरिया जो है कॉन्डोज होते हैं, ये आपको दिखेंगे, आप जब भी इस हाईवे पर आएंगे आपको ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ से आगे के रोड जाता है। ये रोड है यहाँ के, अच्छे रोड है, कंडीशन अच्छी है, मेंटेन्ड है। गैस स्टेशन भी आपको जगह जगह मिल जाएंगे, छोटे छोटे आपको कन्वीनियंस स्टोर मिल जाएंगे। ये देखिए गैस स्टेशन आ गया, पेट्रो कैनेडा है, कन्वीनियंस स्टोर भी राइट साइड पे है, ये पेट्रो कैनेडा है। इसी में ग्रोसरी करूँगा, उसके बाद जाके मैं आराम करूँगा और उस्मान भाई अपने चले जाएंगे शिफ्ट पे। ये देखिए ये है बहुत ही खूबसूरत कॉन्डोज है, लेक शोर के किनारे, बहुत ही अच्छे। और यही आगे जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है वो हाईवे है, मेन हाईवे जो है, और हम हाईवे के साइड वाली लेन में चल रहे हैं। लेफ्ट में हाईवे और हम हाईवे के साइड वाली लेन में चल रहे हैं। और ये सामने सोबीज आ गया, सोबीज क्या है, एक ग्रोसरी स्टोर है, थोड़ा एडवांस लेवल का, अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, प्राइस थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, और मैं ज़्यादातर